बाजार में कोरोना की जल्द वैक्सीन लाने पर लगाई जा रही अटकलों को सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला ने खारिज कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को साफ किया कि कोरोना की वैक्सीन इस साल के अंत तक आएगी। अदर ने पुणे में एक मेडिकल इक्विपमेंट के लॉन्च इवेंट में ये बात कही है। पुणे में एक इवेंट के दौरान उन्होंने कहा, वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के सफलतापूर्वक हो जाने के बाद हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हाल में ये जानकारी सामने आई कि बाजार में जल्द एक वैक्सीन आने वाली है, लेकिन हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हमारा उद्देश्य एक ऐसी वैक्सीन बनाना है जो सुरक्षित और कामगार हो। जब हमें भरोसा हो जाएगा तब हम भारत और पूरी दुनिया के लिए इसका ऐलान कर देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द ही इसके निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे। टीम आरिया WHO बोलता है कि बहुत जरूरी है कोविड का निदान जानने के लिए। उसी तरह ऐसे काफी सारी अलग बीमारियां भी है, जैसे HIV लीजिए, डेंगू लीजिए, चिकनगुनिया या कैंसर, जिसमें बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेट डिटेक्शन बहुत जरूरी होता है अगर किसी व्यक्ति को राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट देना है तो। अगर आप कोविड में भी देखिए तो भले ही हमारे पास इनफ टेस्टिंग किट्स अवेलेबल है, पर वो टेस्टिंग करने के लिए इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, इनफ मैन पावर जो ट्रेंड है, स्किल्ड है, इसका सबका जरूरत होता है। और जब तक ये सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं करें, इनफ टेस्टिंग हर जगह कोने कोने में पहुँचाना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने जो आज मशीन लॉन्च किया है वो ये सारे प्रॉब्लम एक सिंगल बॉक्स में या एक सिंगल बेंच डेस्कटॉप पे सॉल्व कर देगा, जो आपका पूरा सैंपल हैंडलिंग है या सैंपल का जो प्रोसेसिंग है वो विदाउट एनी रूम रिक्वायरमेंट, विदाउट एनी एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट, ये सारा आपको करके प्रोसेस करके आपको सैंपल दे देगा, जो आपका काफ़ी टाइम बचाएगा, एक्सपर्टीज रिक्वायरमेंट कम होगा, लैंड रिक्वायरमेंट कम होगा। इनफैक्ट ये मोबाइल वैन पे भी जाके जगह जगह जाके भी टेस्टिंग कर सकता है। तो पुणे में रूबी हॉस्पिटल है जो आज दिन में सिर्फ 100 सैंपल हैंडल कर पा रहे हैं ये, और 4-5 लोग उसमें इन्वॉल्व है। ये मशीन लगाने के बाद वो दिन में 400 सैंपल प्रोसेस कर पाएंगे। सो 4 गुना स्पीड बढ़ जाएगी टेस्टिंग की इस मशीन के वजह से। 4 गुना स्पीड, 4 गुना कम लोग और 4 गुना कम जगह। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है कि हेल्थ वर्कर जो होते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं, वो हमेशा एक्सपोज रहते हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स, काफ़ी सारे हेल्थ वर्कर इन्फेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से। तो जितना हम ऑटोमेशन करेंगे, जितना क्लोज एनवायरमेंट में काम करेंगे, उतना ये इन्फेक्शन कम होते जाएगा हेल्थ वर्कर, और दे आर आउट ऑफ द डेंजर। तो ये सारी चीज़ें ये ऑटोमेशन करने में, जैसे मोबाइल लैब्स भी जो बन रहे हैं, मोबाइल लैब्स बनाने का खर्च और समय, क्योंकि उसमें कंपार्टमेंट्स बनाने, सब इक्विपमेंट्स रखने और उतने मैन पावर रखना है, वो भी कम हो जाएगा। और मोबाइल वैन भी आज की तारीख से कम आधे से कम से दाम में आज कम हो जाएगा, छोटे मोबाइल वैन यूज कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।